Hello everyone, how are you all? Welcome back to my channel. आज मैं अपने आपको दिखाने वाली हूँ मैं कुछ सेटिंग स्प्रे और मूव्स जो यूज़ करती हूँ फॉर सेटिंग माय हेयर्स. तो सबसे पहले मैं ये मूव्स यूज़ करती हूँ. ये नोवा गोल्ड का मूव्स है, तो ये स्टाइलिंग मूव्स है. ये मैं यूज़ करती हूँ फॉर सेटिंग माई हेयर्स बिफोर आइनिंग. क्योंकि कभी कभी क्या होता है, हमारे यहाँ बेबी हेयर्स रहते हैं. जब हम पार्टीशन करते हैं तो हमारे बालों में ऐसे छोटे 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 बहुत सारे बेबी हेयर्स होते, तो उनको छुपाने के लिए ये स्प्रे बहुत ज़्यादा या मूव्स बहुत ज़्यादा वर्क करता है. तो आई यूज़ दिस मूव्स फॉर सेटिंग माई हेयर्स. तो मैं किस तरीके की कंसिस्टेंसी है इसमें वो दिखाती हूँ आपको. तो पहले इसे चेक करना है अच्छी तरीके से, लाइक सो. क्योंकि इसमें जो रहता है, इसमें एक गैस रहता है. अगर आपने शेक नहीं किया तो ये गैस जो है, ये कुछ यानी स्प्रे अच्छी तरीके से होता नहीं फिर, इसलिए इसे इस बॉटल को हमेशा ऐसे शेक करके यूज़ करना है. तो आई एम टेकिंग दिस ऑन माई हैंड्स लाइक सो, और इसे अभी अप्लाई करना है बिफोर डूइंग योर आइनिंग. और कभी कभी एज अ ड्राई शैम्पू, यानी बहुत बार क्या होता है, हम बालों को गीला करके सेट नहीं कर सकते, तो ये मूव्स बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है. ये हम यूज कर सकते हैं. सो ये मैंने कुछ इस तरीके से लगा लिया, और अभी मैं इसे अनदर हेयर्स यानी इस साइड पे भी वैसे यूज करूँगी. तो ये शैम्पू जैसे ही है, प्रॉपर शैम्पू के जैसे ही है, और इसे आप है, लेकिन ये ड्राई इफेक्ट देता है. यानी आप एक तरह के इसे ड्राई शैम्पू ही कह सकते हैं इसे. बाल आपको जब धोना नहीं है तो इस तरीके का आप यूज़ कर सकते हैं, और इसके बाद आप आयनिंग कर सकते हैं. तो इसके वजह से आपके बाल अच्छी तरीके से सेट हो जाते हैं और बार बार धोने भी नहीं पड़ते. यानी 2 बार हफ्ते में धोना ठीक है, लेकिन जैसे कि अभी मैं जिम में जाती हूँ तो बहुत बार क्या होता है, बालों में बहुत ज़्यादा स्वेट होता है और हमें बाल धोने पड़ते, तो उस टाइम ये इस तरीके से हम बालों को सेट कर सकते हैं. तो आई एम यूजिंग सम मोर. और इसे अभी इसमें हम जी कॉम यूज करेंगे. तो मैं अभी कॉम कर रही हूँ बालों में. तो आपको पहले मूज लगाना है फिर कॉम करना है. नेक्स्ट स्टेप इज आई एम यूजिंग सीरम राइट नाउ. तो ये सीरम है, तो ये मैट्रिक्स का सीरम है. ये मैं अपने बालों पे यूज करूंगी. सो जस्ट टेकिंग 2-3 ड्रॉप्स ऑफ सीरम एंड अप्लाई इट ऑन माई हेयर्स. इसकी स्मेल इतनी बहुत अच्छी आ रही है, माई गॉड, इट्स टू सेंटेड. तो हाफ हाफ पोर्शन करके ही मैं लगा रही हूं. जस्ट 2-3 ड्रॉप्स ऑफ सीरम अगेन.
तो ये मैंने लगा लिया। और जस्ट कॉम्ब इट थ्रू द हेयर। तो इस तरीके से आपको कभी किसी पार्टी में जाना है, कुछ फंक्शन है छोटा सा, और आपके पास हेयर स्टाइल करने का वक्त नहीं है, तो इस तरीके से आप बालों को सेट कर सकते हैं। सो नेक्स्ट स्टेप इज दिस सेटिंग स्प्रे। सो ये है हिट बफर करके सेटिंग स्प्रे है जो मैं यूज करने वाली हूँ। सो तो ये हीट प्रोटेक्टिंग स्प्रे क्या करता है, आपके बालों में जो हीट की वजह से डैमेज होता है वो डैमेज होने नहीं देता। यानी आयनिंग करते वक्त बहुत ज़्यादा हीट, यानी इट इज़ नॉट नेचुरल थिंग, सो ये प्रोटेक्ट करता है बालों को हीट के, उसका नाम ही है हीट रेजिस्टेंट स्प्रे। तो मैं वो यूज़ कर रही हूँ और अच्छी तरीके से कॉम करके अब मैं पार्टीशन करके उसके ऊपर आइनिंग करूँगी। तो मेरे पास है ये आयन, मुझे थोड़ी सी इसे हिट करने पड़ेगी। सो जैसे ही ये गर्म हो जाएगी मैं इसकी साथ अपना आयनिंग करूंगी। सो जस्ट वेट फॉर 5 मिनट्स। तो हाफ बालों को मैंने ऊपर की तरफ टाई कर दिया है और अब इन बालों में आयनिंग करेंगे वन स्टेप बाय स्टेप। तो पहले मैं ये पीछे के बालों को ले रही हूँ और जस्ट कॉम्बिंग माय आई। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on through the highways, and on and on.
एक इजी एंड झटपट होने की हेयर स्टाइल मैंने आज आपको दिखाई कि आप किस तरीके से हेयर को सेट करते हैं विद इन 10 मिनट्स बिफोर गोइंग पार्टी और एनी फंक्शन और जस्ट फॉर कैजुअल डे इन योर लाइफ मीटअप्स. सो दिस इज हाउ आई मेक माई हेयर स्टाइल डन विद द हेल्प ऑफ दिस 3 सेटिंग स्प्रे लाइक ड्राई शैम्पू सीरम एंड सेटिंग स्प्रे. सो इफ यू लाइक दिस वीडियो गिव इट अ बिग थम्स अप एंड लव यू ऑल. बाय बाय.